तेग बहादुर हिंद दी चादर। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 ईस्वी नूं 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे घर गुरु के महल अमृतसर विच माता नानकी जी दी पावन कुख तों होया। ओ घर विच सब तो छोटे बालक सन। मापिया ने नवजन्मे बालक दा नां त्यागमल रख्या। उन्हां नूं सदा ही पिता गुरु जी दी नेड़ता प्राप्त रही। बालपन विच एक वारी त्यागमल यानी गुरु तेग बहादुर जी ने श्री हरगोबिंद साहिब जी दे गात्रे दी तेग नूं हाथ पा लिया। तां गुरु हरगोबिंद जी ने वचन कीते, अजे नहीं, थोड़ा वड्डा होके तेग दा धनी बनेगा। गुरु साहिब धर्म अते तेग दोनों नूं बचपन तो ही बहुत सत्कार देंदे सन। गुरु तेग बहादुर जी ने चढ़दी उम्रे ही मुगल दुश्मना दे विरुद्ध करतारपुर दी लड़ाई विच हिस्सा लिया सी। उदों ही इन्हां दी बहादुरी वेख के गुरु हरगोबिंद जी ने सपुत्र त्यागमल जी नूं तेग बहादुर कहलाउण दा सत्कार दिता सी। सन 1628 विच गुरु तेग बहादुर जी दी शादी श्री लाल चंद जी दी सपुत्री गुजरी जी नाल करतारपुर विखे हुई। गुजरी जी दा असल पुराना पिंड लखनौर पेहवे दे कोल सी। गुरु हरगोबिंद जी दे ज्योति जोत समाउन समय सन 1644 विच तेग बहादुर जी 23 साल दे सन, पर गुरगद्दी बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र हर राय जी नूं 8 मार्च 1644 ईस्वी नूं मिली। इस तरह उन्होंने 17 साल 5 महीने 8 दिन गुरु गद्दी दी सेवा कीती। गुरु हर राय साहिब तो उपरंत गुरु गद्दी बाला प्रीतम श्री हरकृष्ण जी ने संभाली। गुरु हरकृष्ण जी छोटी उम्र विच ही सन कि दिल्ली विच गुरुद्वारा बंगला साहिब दे स्थान उत्ते रोगग्रस्त रोगियों दे रोग दूर करदे सचखंड साहिब जा विराजे। पर सचखंड गमन तो पहला गुरु हरकृष्ण जी ने वचन कर दिते सन कि बाबा बकाले। ये वचन त्यागमल नूं गुरु तेग बहादुर जी दे नां नाल गुरु गद्दी दा हकदार बना गए सन। तां वी तेग बहादुर जी ने संगत दे विवाद तों बचन लई भारत दी पूरब दिशा वल यात्रा दा आरंभ कर दिता। वो पूरब विच कई थावां ते गए ते उन्हां ने हजारां बंदियां नाल मुलाकात करके सिख धर्म दा प्रचार कीता। तेग बहादुर जी पंजाब नूं परत आए। गुरु तेग बहादुर जी बकाले विच सन जदों उन्हां नूं 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण जी दे ज्योति जोत समाउण दी खबर मिली।